पवन सिंह का नया गाना साड़ी से ताड़ी रिलीज हुआ है। आने के साथ ही इस गाने ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। नहीं नहीं, अश्लील विजुअल्स और फूहट लिरिक्स की बात नहीं है। पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये गाना चोरी करके बनाया है। साल 2019 में खेसारी लाल यादव ने भी पिया दे ताड़ी अपना साड़ी नाम का एक गाना बनाया था। उसे कुछ खास पसंद नहीं किया गया, जबकि पवन सिंह के गाने को हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब तक ये गाना YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग बना हुआ है। गाना चोरी करने मामले पर पवन या खेसारी ने अब तक कोई भी कमेंट नहीं किया है। पवन सिंह ने जो गाना बनाया है, इसमें वो एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस गाने को पवन ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है। इसके लिरिक्स लिखे हैं विजय चौहान ने। ये सारा हंगामा जो खड़ा हुआ है वो लिरिक्स को लेकर ही हुआ है। कहा जा रहा है कि पवन ने खेसारी के गाने की हुक लाइन उठाकर अपना गाना बना लिया, क्योंकि दोनों गानों के मुखड़े सिमिलर हैं, मगर इतनी समानता भी नहीं है कि उसे चोरी करार दिया जाए। इन दोनों गानों में इकलौती कॉमन चीज है साड़ी और ताड़ी। सुनने लायक इन दोनों में से कोई भी गाना नहीं है। ये लेखक की निजी राय है। आप कॉमेंट सेक्शन में इससे अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा के दो पॉपुलर स्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का पंगा काफी समय से चल रहा है। एग्जैक्टली इसकी शुरुआत कहां से हुई ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर इन दोनों के बीच पब्लिकली अप्रियता की शुरुआत खेसारी लाल यादव के लाइव सेशन से हुई थी। खेसारी लाल यादव ने एक फेसबुक लाइव किया, उसमें उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के नए कलाकारों के बारे में ऊटपटांग बातें कही। इस दौरान उन्होंने कई बार भाषाई मर्यादा को तोड़ते हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। खेसारी की यह हरकत पवन सिंह को ठीक नहीं लगी। उन्होंने एक स्टेज शो के दौरान खेसारी का नाम लिए बिना ही एक तंज कस दिया। पवन ने कहा, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहां, जिसे जहां जाना है वहां जाए, हम वहां से कब का काम करके आ चुके हैं। इस तरह के लोग अभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पवन सिंह कहां कहां गाना गाएंगे। कुछ लोग अकड़ में रहते हैं और 5,000 रुपए में कहीं भी गाना गा देते हैं। पवन सिंह की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा, किसी भी कलाकार को मंच पर दारू पीकर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इस घटना के बाद से दोनों स्टार्स ने कई फेसबुक लाइव किए, जहां उन्होंने एक दूसरे के बारे में कई अप्रिय बातें कही। अब इन दोनों की लड़ाई खुले में आ चुकी है। इस मसले पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बात की। अक्षरा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो दोनों संस्कारहीन लोग हैं, उनके पास तमीज ही नहीं है। बकौल अक्षरा, ये लोग एक दूसरे को ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को भी नीचा दिखा रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल को सलाह देते हुए अक्षरा ने कहा, स्टारडम पचा पाना सबके बस की बात नहीं है। स्टारडम पचाना सीखना है तो रवि किशन और मनोज तिवारी के पास जाकर सीखिए, उनका समय खत्म नहीं हुआ है। वो लोग आज तक काम कर रहे हैं, सिर्फ भोजपुरी नहीं देश भर की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। रवि किशन जी ने अपने काम से भोजपुरी को सम्मान दिलाया है। उनके लेवल पर जाकर देखिए, 4 गाना हिट क्या हुआ, एक दूसरे को गाली दे दी। अक्षरा पिछले दिनों बिग बॉस में नजर आई थी। उन्हें भोजपुरी फिल्मों की सबसे पॉपुलर हीरोइनों में गिना जाता है। खैर, फिलहाल तो इस मसले पर पवन और खेसारी दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। इस मामले में जैसे ही कोई नई गतिविधि होती है हम आपको जरूर बताएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूं हर्षिता, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।